बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, शंख बजाइए, इन सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। भाभी जी पापड़ और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। जैसे आहुति दे या यज्ञ करे बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे कोरोना वायरस जैसे डिजीज से, शायद ही मुक्ति मिले। कोरोना 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 कोई रोड पे आओ ना। देश में कोरोना की स्थिति की अब तो बात होनी बंद ही हो गई है, मानो देश में से कोरोना चला ही गया हो। भले ही जिंदगी सामान्य स्थिति में लौट रही है, पर कोरोना से खतरा अभी भी है। भारत में टोटल कोरोना के केस 74 लाख के पार जा चुके हैं। कोरोना से बचने के लिए सरकार पहले ही उपाय बता चुकी है। मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, पर इन बातों को कितना फॉलो किया जाता है आप नेताओं की रैली से जान ही सकते हैं। इसके अलावा कोरोना से लड़ने के लिए कुछ उपाय बीजेपी नेताओं द्वारा भी दिए गए थे, इसी पर आज बात करते हैं। कुछ महीनों पहले बंगाल के बीजेपी चीफ दिलीप घोष का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गऊ मूत्र पीने से हम कोरोना से लड़ सकते हैं, लेकिन अब वह खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि घोष को हल्का बुखार था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिलीप घोष ही थे जिन्होंने एक चुनावी रैली में पिछले हफ्ते ही कहा था अब से कोरोना चला गया है। वैसे घोष ऐसे पहले नेता नहीं हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं। इनसे पहले अर्जुन राम मेघवाल, जो कि बीजेपी सरकार के यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब देश में कोरोना चल रहा था तब भाभी जी पापड़ लॉन्च किया था और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कारगर बताया था। देशवासियों, ये एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो ये शुरुआत की है सुनील भंसाली जी ने, हम उनकी शुभकामनाएं देते हैं और वो अपने इसमें सफल होंगे ऐसी आशा करते हैं। अर्जुन राम मेघवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इसके बाद उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भी किया गया था। इसके अलावा एक और बीजेपी नेता की बात करते हैं, पहले आप इनकी ये वीडियो देखिए, कोरोना से बचने के लिए ये क्या उपाय दे रहे हैं। नेचुरली मानना है कि जिस हिसाब से आपके लंग्स और किडनी अगर दोनों चीज क्लियर है, दोनों चीज काम करते हैं और उसमें शंख का बजाना बहुत बड़ी बात है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं आती, आपको नेचुरली से इम्यूनिटी मिलेगी। आप धूप में जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज खाइए, इन सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सबको भी अगर इतना भी डर लगता हो मेरे टोंक सवाई माधोपुर आ जाइए, मैं आपको किसी गांव में ठहरा के दिखाता हूँ। अगर आपको दूर दूर तक भी कहीं बीमारी आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात का धन्यवाद किया है कि जिस हिसाब से लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोगों की इम्यूनिटी जिस हिसाब से उन्होंने देखी और कहीं भी दूर दूर तक भी कोरोना नहीं आया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का धन्यवाद किया है। और मैंने पहले दिन इस बात को कह दिया था कि राजस्थान प्रदेश के लोगों के अंदर में कोरोना कहीं दूर दूर तक भी नजदीक नहीं आएगा। आज वही बात सिद्ध हुई है। तो मैं आज सबसे फिर कहना चाहता हूँ कि आप इम्यूनिटी की दवा खाने की बजाय आप खाते रहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर जिस हिसाब से आप बाहर निकलोगे, बाहर धूप में जाओगे, बारिश में जाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत होगी और कोरोना आपको दूर दूर तक भी कहीं नहीं छुएगा। आपको बता दें, इनका नाम है सुखबीर सिंह, ये राजस्थान से मेंबर पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, इनको भी कोरोना हो गया था। ऐसे और भी नेता हैं जिन्होंने ऐसे ही कुछ बयान दिए थे। आपको याद होगा जब कोरोना भारत में तेजी से फैल रहा था तब रामदास अठवाले का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह गो कोरोना गो के नारे लगा रहे थे। गो करुणा।
इसके अलावा बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल का कोरोना लगातार बोलने का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूँ। कोरोना 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 कोई रोड पे आओ ना कोरोना 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 कोई रोड पे आओ ना 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 कोरोना 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 कोरोना। अब इससे कोरोना भाग जाएगा या नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। वहीं असम से बीजेपी एमएलए का बयान भी काफी सुर्खियों में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि काउ डंग एंड यूरिन से कोरोना ठीक हो जाता है। एयरबोर्न डिजीजेस है तो वो हम क्यों ना ऐसे कुछ प्रयोग किया जाए जिसमें काउ डंग के साथ घी गुगुल और जो अमरलता हम गिलोई बोलते हैं उसका रस मिला के अगर हम प्रयोग करें साथ में और दो तीन चीजें हैं तो हम रस मिला के अगर हवन जैसे आहुति दे या यज्ञ करें तो उसकी जो धुआं निकलेंगे इसकी उससे हवा मुझे लगता है कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे कोरोना वायरस जैसे डिजीज से शायद ही मुक्ति मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना गवर्नमेंट को हर तरफ की मदद करने का वादा किया है। मेडिसिन वगैरह भी भेजे जा चुके हैं और साथ में डॉक्टर नर्सेज भी है शायद, तो अगर साथ में ऐसा प्रयोग भी अगर हो जाते तो जैसे कि काउडांग के साथ जो हमने बोला है अभी गिलोय गुगुल घी और दो तीन चीजें जो मिला के ऐसा एक हवन या जलाया जाए वहाँ पे हवन ना करे तो उनको लोग उसको मेडिकली अगर जलाया जाए तो शायद उनकी हवा शुद्ध हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमें पहले ताली थाली बजाने को कहा, फिर लाइट दिए जलाने को कहा, पर अब कोरोना कितना फैल चुका है ये आंकड़े आपके सामने आ ही चुके हैं। जब कोरोना बढ़ रहा था हमारा मीडिया भी किसी और मुद्दे में बिजी था। अब कोरोना से लड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है उस पर भी शायद ही कोई खबर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।